You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it just for what I fucking do. They come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long never as you're dreaming. तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को दो न्यूज़ देना चाहता हूं। पहला तो खुशखबरी है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 36 आवर्स का वॉच टाइम और चाहिए, जिसके कारण मेरा मोनेटाइज के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब 36 घंटे का वॉच टाइम और चाहिए, जो आशा करता हूं कि आज आप लोग उसे पूरा कर देंगे। तो बस वीडियो को पूरा देखना और शेयर कर देना वीडियो को, जहां भी हो सकता है, जितने भी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। तो आज जाके 36 आवर्स पूरे हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरी न्यूज़ है वीडियो अपलोडिंग का टाइम। मतलब अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं मेरे, वो शाम को आते थे, चाहे वो 5 बजे या फिर 6 बजे या फिर 7 बजे के बीच में आ जाते थे, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से दोपहर में वीडियो आएगा, 1:30 या 2 के बीच में हमेशा ही कल से वीडियो आने लगेगा, तो उस बात का ध्यान रखना। तो अब मेरे वीडियो शाम को ना आके दोपहर के 1 बजे के बाद आएगा, तो बस यही कहना था। और बात करूं आज के गेम प्ले की, तो भाई साहब कतई जहर है, सीरियसली बोल रहा हूं, कतई जहर गेम प्ले है, कसम से बता रहा हूं। मिलिट्री बेस में लौंडे कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं नहीं पता, लेकिन इस सीजन में ना मिलिट्री बेस में भर भर के लौंडे आ रहे हैं। मतलब मैं बिना गनगन के ठिल जा रहा हूं, बार बार उतर रहा हूं, और जब जब उतर रहा हूं मिलिट्री बेस में, या तो मैं बहुत ज्यादा किल कर ले रहा हूं, नहीं तो भाई साहब बिना गन के ठिल जा रहा हूं। मतलब इतनी ज्यादा लौंडे आ रहे हैं यहां पे, लेकिन इस बार दिमाग लगाता हूं, मैं बोलता हूं दूर है मिलिट्री बेस थोड़ा सा, तो मैं पहले ही उतरने की कोशिश करता हूं। मतलब ये छोटे छोटे जो डब्बे हैं, इसको घर नहीं बोल सकते हम, पता नहीं डब्बे हैं रखे हुए, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, ईंट पत्थर का डब्बा, हां ईंट पत्थर का डब्बे है, उसके बीच में भाई साहब दो छेद होते हैं जिसको दरवाजा बोलते हैं, वहां से निकलने का जगह होता है, तो मैं उसके ऊपर उतरता हूं, क्योंकि वहां पे गन मिल जाते हैं कुछ ना। और इस बार मुझे AKM मिल गया भाई साहब, और सीरियसली में मिल जाते हैं इधर गन, और गन तो छोड़ो, मतलब दो दो फ्लेयर गन मिल चुकी है मुझे भाई साहब। मैं समझ जाता हूँ कि किस्मत जो है ना आसमान छू रही है मेरी। और फ्लेयर गन जो होती है वो रानी होती है, मतलब उस रानी के चक्कर में ना कितने राजा की पेटी बन जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा भाई साहब, सीरियसली बोलता हूँ। और अभी घमासान युद्ध होने वाला, मतलब मैं फ्लेयर चलाऊंगा, उसके बाद का युद्ध तबाही है। और इतना अच्छा लूट करने के बाद मैं पहली बार फाइट लेने के लिए जा रहा हूँ, और ये भाई साहब किसी से बच बुचा रहे होते हैं, मतलब TPP लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मैं पीछे से आराम से पेल देता हूँ इस भाई साहब को। लेकिन ये जिससे TPP ले रहे थे भाई साहब, वो लौंडा तो ज़रूर आएगा इसको मारने के लिए, तो मैं इधर सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए 4-5 सेकंड के लिए लेटता हूँ, लेकिन उस पर भी उसकी रक्षा करने के लिए स्मोक पैदा हो जाता है भाई साहब, अपने पूरी दुनिया में स्मोक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई कोशिश करेगा उसको पेलने की, देखो कैसे। और भाई साहब स्मोक के अंदर इतना मस्त एडजस्टमेंट, मतलब एक स्प्रे के अंदर अंदर दोनों लौंडा फिनिश, मतलब कतई मजा आ जाता है सीरियसली में। और अभी तक तुम लोग लाइक का बटन नहीं दबाए हो तो मत दबाओ, कोई मर्जी नहीं है, लेकिन आगे और भी ऐसे ऐसे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे आज के गेम प्ले में। और भाई साहब ये स्मोक होने की वजह से ना फायर रेट एकदम जीरो हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लौंडे यहां से खत्म हो चुके, नहीं लौंडे बहुत है यहां पे, लेकिन भाई साहब एक भी गोली नहीं चलती है, सारे के सारे लौंडे जो है अक्षय कुमार बन जाते हैं। मतलब मुझे 786 का एक डायलॉग याद आ रहा है, वो मैं सुनाता हूं। मतलब 3 चीज दुनिया में होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, एक भूतों का संसार, दूसरा सच्चा वाला प्यार, और तीसरा 72 सिंह का रफ्तार। मतलब ये वही 72 सिंह का रफ्तार बन गए, मतलब भाई साहब हैं पूरे मिलिट्री बेस में लौंडे भरे पड़े हैं, लेकिन एक भी दिखने का नाम नहीं लेता। तो मैं बोलता हूँ चलो इसी बहाने मैं फ्लेयर गन चला देता हूँ, तो भाई साहब फ्लेयर गन चलाने के बाद मैं लूटने उठने चला जाता हूँ। मैं बोलता हूँ जब तक आएगा फ्लेयर तो देखा जाएगा, तब तक लौंडे वोंडे ढूंढते हैं या फिर कुछ भी अपना ग्रिप व्रिप ढूंढ लेते हैं। उतने देर में हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि इधर भाई साहब एक गाड़ी आ जाती है, अब ये तो एक बॉट था जिसको मैंने मार दिया, मतलब भले से उसका किल मुझे मिल जाएगा, लेकिन इस बॉट के कारण मेरा पूरा का पूरा लोकेशन रिवील हो चुका है, मतलब एग्जैक्टली मैं कहां पे हूं उन दोनों लौंडों को पता चल चुका है, और वो लोग कुत्ते की तरह मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं मारने के लिए। तो मुझे दिमाग लगाना पड़ता है, मैं नेट वेट फेंकने की कोशिश करता हूं कि शायद वो नेट से ही ठिल जाए, एक बंदा कम से कम ठिलेगा तो मैं दूसरे को संभाल लूंगा, और देखो फिर क्या होता है।
और भाई साहब जैसे ही मैं दूसरा नेट फेंकता हूँ, एक लौंडा नॉक हो जाता है, तो मैं बिना देर के उसको पूरी की पूरी फिनिश करता हूँ। मतलब उसका दूसरा लौंडा कवर दे भी रहा था यूजी से, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो मैं जैसे ही मारता हूँ कवर में आता हूँ फटाफट, लेकिन पीछे से एक बॉट भी आ जाता है, उस बॉट को नॉक करते हैं। उसके बाद लौंडे को उसी तरीके से मारने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ कि वो भी लौंडा इसी तरीके से आएगा, ठिल जाएगा, लेकिन वो आता ही नहीं है। दिमाग पूरा लगा लेता है, वो घूम के आने की कोशिश करता है। तो देखो यार, कारनामा उसके साथ भी होता है। और इस भाई साहब का पूरा खोपड़ी उड़ जाता है सीरियसली। मैं मतलब मेरे आंख के सामने लौंडे का पहले हेलमेट टूटता है लगातार, उसके बाद खोपड़ी भी उड़ जाती है, मतलब लौंडा ठिल जाता है। इसको मारने के बाद मुझे याद आता है, भाई साहब तुमने दो दो फ्लेयर मंगाई थी, वो जिंदा बचा हुआ है, उसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है कि नहीं है, कि कोई लौंडा लूट के लेके चला गया, तो जाके देखो उसको, उसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं जाता हूँ उसको देखने के लिए, और पता चलता है कि कोई नशेड़ी है ना, पहले से इंतजार कर रहा था मेरा बहुत देर से, कि मैं आऊँगा गांजा बनाऊँगा फिर उसको गांजा पिलाऊँगा। तो देखो फिर क्या होता है। और भाई साहब इसका नाम देखो, वीड लवर, कतई नशेड़ी आदमी था सीरियसली। मैं मतलब गांजे से इतना प्यार, मतलब गांजा पीना है तो फूकना है, तो तुमको या तो गेम खेल लो या तो फूक लो, दोनों काम एक साथ करोगे तो भाई साहब सर चकराएगा और यही सब कांड होगा। मतलब लौंडा पहले मेरे को मारता है और उसके बाद नेट फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं फायर करता हूँ उसके बाद तो लौंडा खुद के ही पास नेट फेंक लेता है, उसके बाद भगना भी चालू कर देता है कि नेट उसके ऊपर ना फट जाए, तो आराम से इसको ठिला देते हैं भाई साहब। और ये किल कैसा लगा यार बता देना जरूर, सीरियसली बोल रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ से निकलते, क्योंकि लौंडा मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई बाकी भी था कि नहीं था, अपना 10 किल हो गया है। तो यहां से निकलते हैं भाई साहब, और इसके बाद जोन एकदम छोटा हो जाता है क्योंकि लौंडे बचे हैं। मतलब यहां दिख रहे हैं आपको 34, लेकिन मेरे पहुंचते पहुंचते तक 10-12 ही बचेंगे, चिंता मत करो। और मैं जैसे ही जोन के अंदर आता हूं, पता चलता है मेरे राइट से फायर की आवाज आई है, तो भाई साहब मैं गाड़ी यहां पर रोकता हूं, पत्थर का मतलब गड्ढे का कवर लेता हूं, देखने की कोशिश करता हूं कि आखिर फायर कहां से हुआ। उतनी देर में भाई साहब मेरे ऊपर एक गाड़ी आ जाती है। और मैं उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, तो मैं फटाफट गाड़ी उठाता हूँ, यहाँ से जगह चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं जगह इसलिए चेंज करता हूँ, यदि वो लोग रश करेंगे तो दो लौंडे हैं, एक तो गाड़ी से आएंगे या तो पैदल आएंगे, किसी भी तरीके से आएंगे, यदि रश करेंगे तो मैं मारा जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कवर नाम का चीज़ नहीं है, तो मैं कवर नहीं ले सकता, ओपन में फाइट नहीं ले सकता मैं। तो फटाफट मैं गाड़ी उठाता हूँ, दूसरी तरफ जाता हूँ, और यहाँ पहुँचते पहुँचते लौंडे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ बचते हैं 4। और मैं गाड़ी को एक जगह लगा के लौंडे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई मिलता नहीं है, तो मैं गाड़ी वापस लाने के जाता हूं कि गाड़ी को अपने साथ ही रख लेते हैं। लेकिन भाई साहब वापस जाने के साथ ही मेरे साथ जो कारनामा होता है वो देखो। और भाई साहब ये सांप कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, लेकिन डसते डसते बच जाता हूँ मैं किसी भी हालत में। और इसको ठिलाने के बाद एक लौंडा जोन से ही ठिल जाता है, तो बचे हैं मेरे अपोजिट में 2 लौंडे। अब उसको मारने के लिए मैं चला जाता हूँ उस तरफ, और पेड़ के पीछे है वो बंदा, और मैं नेड करने की, मौली करने की बहुत सारी कोशिश करूँगा, वो देखो किस किस तरीके की कोशिश करूँगा वो सारा देखो। और भाई साहब नेट खाली जाता है, तो मैं बोलता हूँ कोई नहीं मौली करते हैं, मतलब मौली वहाँ पेड़ के पीछे, ये लौंडा तो मौली करते हैं, और एग्जैक्टली लोकेशन पे मौली होता है, और पेड़ के चारों तरफ मौली हो रही है, जल रहा है, लेकिन वो लौंडा नहीं जलता, पता नहीं कहाँ है भाई साहब। सीरियसली बोलता हूँ उस पेड़ के पीछे ही वो लौंडा है, लेकिन वो जल नहीं रहा, क्यों नहीं जल रहा है ये मुझे नहीं पता। स्मोक कर देता हूँ, उसके बाद भी मैं एक मौली डालता हूँ वहाँ पे, एक नेट भी फेंकता हूँ वहाँ पे कि जले उड़ जाए नेट से, लेकिन कुछ नहीं होता है भाई साहब। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, एक बार लौंडा दिखता है, और राइट से जो है ना अलग एक बंदा जो का पार्टनर है वो अलग फुटस्टेप दिया जा रहा, तो मैं उससे अलग कंफ्यूज हो रहा हूं। तो भाई साहब मैं नेट फेंकता हूं, और एक बार वो लौंडा दिखता है, तो देखो क्या होता है। और वो जैसे ही निकलता है मैं फायर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लौंडा फिर से कवर में चला जाता है, तो मैं एक नेड फेंकता हूँ उसके ऊपर, लेकिन नेड फेंकते ही दोनों लौंडे साथ में मेरे ऊपर रश कर देते हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से।
और उन लोगों के पास हाइट का एडवांटेज प्लस दोनों एक साथ रश करते हैं, मतलब दोनों तरफ से फुट से पाती है, तो मैं कंफ्यूज होके आराम से ठिल जाता हूँ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लो ताकि इस तरीके का मज़ेदार वीडियो आप लोगों तक हर रोज़ पहुँचता रहे। तो कल से आएगा वीडियो 1 से 2 के बीच में दोपहर में, तो ज़रूर देखना मेरे चैनल को और प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दो। और मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो कर लो, बहुत सारी बातें कर सकते हो वहां पे, मुझे मैसेज कर सकते हो, बहुत चीजों में टैग कर सकते हो जो भी तुम पोस्ट करते हो। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।